forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, get in these voices. दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, कैसे हो सब। तो आज मैं दोहा की खाड़ी पे जा रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास साइकिल है और यहाँ से दोहा की खाड़ी है 14 किलोमीटर दूर। देखता हूँ मैं साइकिल से कितनी देर में पहुँचता हूँ। और दोहा की खाड़ी पे एक पार्क है, बहुत ही हेरिटेज, बहुत ही हिस्ट्रिक, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं। वो रहा सामने खलीफा स्टेडियम, तो 4 किलोमीटर साइकिल चल चुकी है अभी चलते हैं और आगे। 6 किलोमीटर चला लिए साइकिल, अब गर्मी से लगने लगी, वक्त आ गया है कपड़े उतारने का थोड़ा और साथ हल्का करने का। अलसद में आपका स्वागत है। तो भाई ये एक एरिया है कतर का अलसद, और इसमें आ चुका हूँ मैं अभी, सामने आपको दिख रहा होगा। मैं सोच रहा था कि वहीं जाकर स्टॉप लूंगा, वहीं पर रुकूंगा, लेकिन भाई हवा चल रही है अच्छी, सुबह सुबह का टाइम है, तो इसलिए पानी पीने की जरूरत पड़ी, प्यास लगी तो रुके, पानी पिया। और ये आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे मेट्रो स्टेशन है, अल्फा डिस्पोज क्लब भी है अंदर जाने के बाद 1 किलोमीटर, और अंदर स्टेडियम है काफ़ी बड़ा मतलब। तो लेकिन हमें जाना है दूसरी जगह, यहाँ से हमारा अभी 5 किलोमीटर है, अभी 5 किलोमीटर और साइकिल चलेगी उसके बाद पहुँचेंगे। दोहा में आपका स्वागत है। तो हम दोहा के अंदर एंटर हो चुके हैं भाई, अभी बस हमको 2 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। वो रहा दोहा, अपनी मंजिल पर आ चुका हूँ, सिर्फ 500 मीटर दूर हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। 500 मीटर और उसके बाद। ये रहा वो पार्क जहाँ पर मैं आया हूँ, अभी चलते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, ये अलविदा एंट्रेस, अलविदा पार्क, और मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। वो देखिए कि एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है कतर का, तो आज इसके अंदर हम घूमने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो में बने रहिए, चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों इस पार्क का नाम अलविदा पार्क है, इसका नाम रुमेला पार्क भी है, लेकिन अलविदा इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इस पार्क के अंदर कतर के सबसे पुराने शहर, सबसे पुराने घर और सबसे पुरानी सिटी अलविदा है, तो इसलिए इस पार्क का नाम ये रखा गया। और ये पार्क बिल्कुल कॉर्निस के किनारे पर है, जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कतर का कॉर्निस, ये बिल्कुल दोहा की खाड़ी के पास है। तो अभी इसमें और घूमते हैं और आपको बताते हैं इसके अंदर बहुत सारी बातें। ये इसके अंदर कुछ प्राकृतिक पहाड़ियां हैं, नेचुरल रॉक नाम दिया गया है इसे, और इसे हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, यानी ये एक पुरानी रॉक से यानी पुरानी पहाड़ी है इसके अंदर काफ़ी है। ये आपको दिख रहा होगा, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा ये पहाड़ियाँ काफ़ी पुरानी हैं, और जैसे कि इसका कलर आपको दिख रहा है, बता रहा है इसका कलर कि ये काफ़ी पुरानी है, हेरिटेज साइट है। दोस्तों वैसे तो इस पार्क का नाम अल रुमेला रखा गया था, लेकिन इस पार्क को अलविदा क्यों किया गया, इसलिए किया गया। ये जो आपको दिख रहा है ना किला, ये अलविदा नाम का आज से 100 साल 200 साल पुराना किला है जो कि इस पार्क के अंदर है, तो इसलिए इसको अलविदा पार्क के नाम दिया गया, इसीलिए ताकि इनकी संस्कृति पुरानी फिर से ज़िंदा हो। और ये बिल्कुल दोहा के अंदर है, इसकी लोकेशन जो है दोहा है, और सामने ही कॉर्निस है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये रहा इसका स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफ़ी मतलब सेवा है, बस हो, टैक्सी हो, कुछ भी हो। और नीचे है इसकी पार्किंग, ये आपको दिख रहा है ना, नीचे पार्किंग में मतलब जा सकते हैं। और ये बहुत सारे कुछ झूले बने हुए हैं बच्चों के लिए, जैसे कि सभी पार्कों में होते हैं अक्सर, आपने देखा है, लेकिन अच्छे टाइप के हैं कुछ, ये आपको दिख रहा होगा। और कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं इसके अंदर फैमिली के साथ में अपने। और ये कुछ नेचर से हरा भरा एरिया है, यहाँ पर ऐसे एरिया देखने को बहुत कम मिलते हैं। और आपको दिख रहा होगा लोग काफ़ी घूम रहे हैं साइकिल से भी, और वैसे भी देखिए डॉगी भी साथ में लेकर घूम रहे हैं, एथलीट गेमों में हिस्सा लेने वाले लोग जॉगिंग करते हुए। ये देखिए ये रेड कलर की जो पट्टी है ये काफ़ी लंबा राउंड है, तो इसी को सब लोग राउंड कर रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जा रहे हैं एकदम एकदम।
उसी को राउंड कर रहे हैं सब लोग। हमारे फिलिपिनी फ्रेंड रस्सी पे कूद रहे थे तो मैंने उनसे बोला कि मैं भी कूदना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला करो बिल्कुल। तो अभी कपड़े उतार रहा हूँ और कूदता हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, काफ़ी मन लग रहा है इस पार्क में भाई, क्योंकि सभी कुछ देखने को मिल रहा है। और ये लगा है कतर का फ्लैग, आपको दिख रहा होगा नेशनल पॉइंट और वो टावर। और ये देखिए फैमिली साइकिल, आपको दिख रहा होगा ये वो ट्रेन कर रहा है अपनी बेबी को, वाइफ को। और सामने रहा कॉर्निस, आपको दिख रहा होगा कतर का। और इस पार्क के अंदर हर 500 मीटर के बाद एक टॉयलेट स्पॉट बनाए, यानी पानी पीने के लिए और टॉयलेट करने के लिए। और पीछे का एरिया कुछ ऐसा है, इंफॉर्मेशन सेंटर अलविदा पार्क, और उसी के जस्ट बराबर में बर्ग अरबिया बाइक्स एंड साइकिल, यानी रेंट पे अगर आपको साइकिल चाहिए या बाइक चाहिए या स्कूटर चाहिए, स्कूटर उसके लिए। और वो रहा पिक एंड सेव सुपर मार्केट। जॉगिंग सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं उस ब्रिज पे, पार्क के दूसरे साइड चलते हैं। पीछे हमारे कॉर्निस और साइकिल, साइकिल अपनी साइकिल। ये रहा पार्क और वो आपको दिख रहा होगा सामने समुंदर है, बिल्कुल समुंदर के किनारे पर ये पार्क। और ये रहा दोहा की खाड़ी और दोहा का किनारा कॉर्निस। और ये आ गया अपना ब्रिज, चलते हैं उस पार। ये व्यू है वंडरफुल और देखने लायक। ये देखिए अभी ब्रिज के ऊपर हूँ, यहाँ से कैप्चर हो रहा है एकदम। वो देखिए सामने की साइड आपको दिख रहा होगा लोसेल। और ये लोग जो आपको इतने सारे जॉगिंग करते दिखाई दे रहे हैं, ये एक ग्रुप टाइप है, यानी एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है इन लोगों में। कई ग्रुप हैं, वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। और तो कैसा लग रहा है व्यू सामने का दोस्तों आपको, वो देखिए। और वही उसके सामने रहा लोसेल, वो सामने आपको लेडी दिख रही होगी, वो इन लोगों के कोच हैं। यानी एक तरीके से जैसे एथलीट गेम होते हैं या फुटबॉल की टीम या कोई भी गेम हो, कुछ भी ओलंपिक के लिए तैयारी करना, तो उसके लिए इनमें मतलब कंपटीशन चल रहा है आपस में। कई सारे ग्रुप्स हैं तो उन सब में, यानी कौन कितने मिनट में कितनी लंबी दौड़ लगाएगा, कौन कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा, दो चक्कर लगाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा राउंड है इसका पार्क का। बॉस ने यूट्यूब पे गाने लगा के और जॉइंट कर रखा है स्पीकर ब्लूटूथ से, और गाने सुन रही हैं और ट्रेन कर रही हैं किसको राइट जाना है किसको लेफ्ट जाना है। ये रहा वॉलीबॉल स्टेडियम इसी के अंदर, और ये फिलिपिनी बॉयज वॉलीबॉल खेलते हुए। ये देखिए दो टीमें हैं, एक इधर एक इधर। और ये रहा फुटबॉल स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए, मतलब फुटबॉल ग्राउंड। आसान नहीं है भाई जॉगिंग करना, यहाँ देख रहा हूँ मैं लोगों की हालत। प्लस इन कंट्रियों में ऑक्सीजन की भी थोड़ी कमी होती है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे इतने ज़्यादा नहीं होते। ये तो खैर पार्क है, हरा भरा एरिया है, तो इधर कुछ ज़्यादा है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ पर एकदम से सांस फूल जाती है यानी जॉगिंग करते हुए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सब लोगों की हालत कैसी हो रही है, खस्ता। इस पार्क के अंदर जो मेंटेनेंस है ना, वो मुझको बहुत ही वंडरफुल लगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से मेंटेनेंस किया गया है, घास को, पौधों को, पेड़ को, हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेनेंस किया गया है। और हर जगह पर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है सुरक्षा के लिए, सब चीज़ के लिए। तो काफ़ी वजह से घूम रहा था, अभी सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा मुझे और बोला वेयर योर हेलमेट। मैंने कहा सर आई हैव हेलमेट बट इन माय बैग। बोला पुट द हेलमेट योर हेड। मैंने कहा ओके सर ओके। अरब कंट्री के हिसाब से एकदम वंडरफुल एरिया है, हरा भरा एरिया, हरियाली, पेड़ घास पौधे एकदम। पार्क से आउट हो रहा हूँ, लेकिन इस पार्क में घूमने का एक अलग ही मज़ा आया और एक अलग ही अनुभव मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा रहा इस पार्क में घूमने का। सबसे ज़्यादा मज़ा आया उसमें कि 14 किलोमीटर ये चलाई साइकिल और उसके बाद इस पार्क में आया मॉर्निंग में, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा 14 किलोमीटर साइकिल चलाने का। और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम 14 किलोमीटर साइकिल चलाई,
तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इस पार्क को राउंड करना, उस जगह पर मैं वापसी आ चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और ये पार्क आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो।